नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के बारे में। दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों क्या इस अपडेट में हमें सैमसंग की तरफ से AI फीचर मिलते हैं जो हमें सैमसंग के S24 सीरीज में मिलते हैं? जी दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें बहुत सारे फीचर इसमें मिलते हैं इस अपडेट में या फिर नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है कि इसमें जो AI वाला फीचर है वो जल्दी अब इसमें अपडेट के साथ आ जाएगा। तो जो अभी जो अपडेट आया है वो क्या इसमें हमें मिला है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फ़ोन मैंने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है। ये देखिए, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही किया है, कुछ घंटे पहले। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें जो फीचर मिलते हैं वो कुछ नहीं है, सिर्फ वही हैं जो हर महीने हमें मिलता है अपडेट सिक्योरिटी पेज लेवल को लेके। बट हमें ये क्यों अपडेट करना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों इस अपडेट का साया 395 MB का और सिक्योरिटी पेज लेवल हो चुका है 1 मार्च। और आज दोस्तों जो वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है दोस्तों 14 मार्च है आज, और मैं 1 मार्च का इसमें अप्रैल 1 मार्च का सिक्योरिटी पेज अपडेट इसमें हमें मिल चुका है। तो दोस्तों देखिए, हमें इसके अंदर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ अपडेट वगैरह जो इम्प्रूवमेंट होती है, बक्स कुछ छोटे मोटे बक्स होते हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं, और हमारा जो सिक्योरिटी पेज लेवल है वो करेंट मंथ का कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये अपडेट हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस अपडेट को नहीं करोगे या इसके कोई भी अपडेट आता है वो नहीं करोगे, तो हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो आप एक बार में नहीं कर सकते। आपको जो जितने भी अपडेट आपको मिलेंगे वो आपको सारे करने पड़ेंगे। तो इस वजह से आपको कोई भी अपडेट पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही बताने के लिए मैं दोस्तों इस वीडियो को बनाया है। क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमें इसमें AI का फीचर मिल चुका है, AI वाला अपडेट आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अभी भी देख सकते हो कि 1 UI वर्जन 6.0 है, जबकि दोस्तों वो जो फीचर है वो हमें 1 UI 6.1 या फिर 2 के अंदर देखने को मिलेगा, जो हमें जल्दी इस फ़ोन में अपडेट के साथ मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। और आपका कोई सवाल है इस फ़ोन को या अपडेट को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जल्दी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। धन्यवाद।